अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हमें उस आदमी को मारना नहीं चाहिए था। अरे 10 बार वही बात दोहरा चुका है तू। उस आदमी को मारते नहीं तो नक्शा कहां से मिलता? यही कहीं पे होना चाहिए वो खजाना। यही कहीं पे उसने गाड़ रखे वो लाखों रुपए। यार जल्दी खोद, पैसा मिलते ही मैं तो भारत छोड़ के चला जाऊंगा। ज्यादा लालची मत बन, तुम उस तरफ पैरा दो और तुम उस तरफ पैरा दो, मैं खोदता हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें इस एक्सप्रेशन के लिए जरूर ऑस्कर अवार्ड दिलवाऊंगा। कम ऑन, गेट अप, कम ऑन। लाश सर, वो लाश है सर, वो लाश है। मेरा असिस्टेंट, वेयर इज माय असिस्टेंट? यस सर। तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने के लिए किसने कहा? हां सॉरी सर, पर बात क्या है? घाटे में पिट में तुम्हें डमी डालने के लिए किसने कहा? डमी? मैंने तो नहीं कहा था किसी से डालने के लिए सर। वो लाश है सर, वो लाश है सर, वो लाश है। ये तो लाश है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तुम अंदर आओ। जया मुस्कान तुम भी अंदर आओ। फ्रेडरिक्स, परसों मैंने तुम्हें कहाँ भेजा था? परसों सर वो स्मगलिंग के केस के लिए गया था। करेक्ट, कहाँ भेजा था? चांदनी बार में सर। चांदनी बार में? सर 5-6 घंटे तक बैठना पड़ा वहां पे। वो आदमी आया था जिसका पीछा करने के लिए कहा था तुम्हें, वो कालिया? आया था सर, 5-6 घंटे तक बिता रहा वो। फिर वो चला गया। तुमने उसका पीछा किया? नहीं सर। क्यों? सर वो बस। तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया फ्रेडरिक्स? मैं बताता हूं पीछा क्यों नहीं किया। ये वहां दारू पीकर टुन हो गए थे, इन्हें उठा के घर ले जाना पड़ा। भैया इसके पॉकेट चेक करो। सर करो। यस सर। नहीं सर, कुछ नहीं। जरा इसका मुंह सूंघो। मगर सर सूंघो नहीं तो मैं सूंघूंगा। नहीं सर, मैं देखता हूं। क्या है? कुछ नहीं सर, किसी मेडिसिन की स्मेल आ रही है। क्या लिया फ्रेडरिक्स? आजकल साहब कभी कभी दिन में भी पीने लगे हैं। सर मेडिसिन ही होगी। अच्छा क्यों फ्रेडरिक्स, कौन सा मेडिसिन है जरा मैं भी तो सुनूं। सर मुझे हमेशा किसी ऐसी ड्यूटी पे भेजा जाता है, कभी किसी पॉकेट मार का पीछा करो, कभी रात रात भर किसी के घर के बाहर खड़े रहो, कभी 5-5, 6-6 घंटा किसी पे निगाह रखो बार में बैठ के। अब बार में बैठ के संतरे का जूस तो नहीं पिया जाता है ना सर, कभी कभी पीना पड़ता है। अच्छा
तो अब तुम मुझे सिखा रहे हो डिटेक्टिव को काम कैसे करना चाहिए? मगर 9 साल से ये यस सर नो सर के सिवा मैंने किया क्या? नौकरी छोड़नी है सर? एसीपी प्रद्युमन यहां कहां पे? शूटिंग चल रही थी। ठीक है, शूटिंग पे जितने भी लोग हैं उन सबको रोक के रखो। हाँ, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। दया मुस्कान मेरे साथ चलो, खून हुआ है। पहचानते हो इस लड़की को? हमें क्या मालूम साहब, हमने थोड़ी लाश को गाड़ा है। अच्छा, जहाँ पर तुमने गड्ढा खोदा वहीं पर लाश निकली? ये कैसे हो सकता है? हमारा आर्ट डायरेक्टर सुबीर, हाँ सुबीर, वो यहाँ आया और उसने देखा और देखा कि जमीन जो है पुलपुली थी, तो खोदने में आसानी होगी और सारा सीन कंप्लीट हो जाएगा। साहब हमें क्या मालूम था कि खोदने में लाश निकलेगी। ये तुम्हारा आर्ट डायरेक्टर कहाँ है? वो साहब जब से लाश निकली ना तो वो गायब है। आर्ट डायरेक्टर गायब है? मतलब बहुत गड़बड़ है। माय गॉड, से लगता है ये खून आजकल में नहीं हुआ है। बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है, आंखें तो गायब हैं, कीड़े खा गए। काफी खराब हालत में है सर। कंप्यूटर में पूरा चेहरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, तभी पता चलेगा कि ये है कौन। बुलेट अभी भी सर के अंदर है। नो एग्जिट वाउंड, लगता है बुलेट जरा दूर से मारी गई है। एक काम करते हैं, इसका सर शेव करके देखते हैं कि घाव किस तरह का है। या तो इसे गोली दूर से मारी गई है या फिर जो एम्यूनिशन है यानी कि बुलेट, वो ज्यादा पावरफुल नहीं था। आओ, ये देखो, इसकी नाक टूटी हुई है। जैसे ही गोली मारी होगी वैसे ही ये मुंह के बल गिर गई होगी बेचारी। लड़कियों पर आजकल कितने अत्याचार हो रहे हैं। हाथ पे तो कोई रस्सी बांधने का निशान नहीं है। पैर पर भी कोई निशान नहीं है। जी, हाथ पैर पर कोई निशान नहीं है, बॉडी पर भी वायलेंस का कोई निशान नहीं है, रेप भी नहीं हुआ, तो फिर क्यों मारना चाहेगा पुलिस? वरना एक बात बोलो। जी मैम। इसे किसी दुश्मन ने नहीं मारा है, इसे किसी इसके जान पहचान वाले ने मारा है, धोखे से पीछे से वार किया है। इसे शायद पता भी नहीं था कि वो उसे मारने वाला है। सर इस लड़की का पूरा फेस बनना तो शायद काफी मुश्किल काम होगा सर, पूरी आंखें गायब हैं। दया जितना बनता है उतना तो बना। अभिजीत, इतना बड़ा जंगल है वो, तो फिर जहां पर लाश गड़ी हुई थी वहीं पर शूटिंग कैसे होगी? सर जिस आदमी ने ये सोचा कि शूटिंग वहीं पे होनी चाहिए वो तो गायब है।
प्रोड्यूसर कह रहा था कि शायद डर के मारे भाग गया है। 0.22 की गोली का इस्तेमाल किया गया। गोली अंदर जाके खोपड़ी के बीच वाले चेंबर से टकराई, इसलिए बाहर नहीं निकली। गोली मारने वाला 10 फुट की डिस्टेंस पे खड़ा होगा और गोली मारने वाले की हाइट होगी कुछ 5 फुट 7 इंच। इतना सब कुछ पता चल सकता है एक गोली के घाव को देखकर? थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और थोड़ी ये। ये क्या? क्या हुआ मैम? पुराना है मगर भर चुका है, शायद किसी ने बहुत ही भारी चीज इसके सर पे मारी हो। पुलिस में तो कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई। इसके घर पे कोई इसे मारता है? वंदना जी, अगर ये लड़की शादीशुदा थी तो हो सकता है इसका पति इसे मारता हो। सर, पिछले दिनों 10 लोग अपने घर से गायब थे, जिनमें से 5 लड़कियां थी। उन सभी के घर के एड्रेसेस हमें मिल चुके हैं मिसिंग पर्संस ब्यूरो से। तो ये पहली है मालती। ये नहीं हो सकती। दूसरी सुंदरी वैद्य। और दिखा। ये ललिता है, कोमल और ये पायल। अभी ये तो तीसरी वाली फिर से दिखा। ललिता ये हो सकती है। दया, एक पिक्चर भेज रहा हूं तुम्हारे कंप्यूटर पे, जरा मैच करके देखो। ठीक है। टूटू की है, मगर थोड़ी सी डैमेज हो गई है। मैच हो गए सर, यही लड़की है ललिता। एड्रेस क्या है इसका? शेरटन विला अस्का विलेज। आए? ये क्या हुआ सर? इसमें तो लिखा है कि लड़की मिल गई है। क्या फोटो में? ये लड़की 24-25 साल की लग रही है। ये लड़की वही है। ये लड़की मर चुकी है सर। तो फिर ये वापस कैसे आ गए? चलो शेरटन विला चलो। दरवाजा खोलो और अपनी गन फेंक दो। हैंड्स अप। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। देखो तुम लोग जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरी ललिता को कुछ मत करना। उस
से मुझे सही सलामत लौटा दो प्लीज। ललिता को लौटा दो? क्या मतलब? तुम लोग ने ललिता को किडनैप किया ना, तुम लोग ही किडनैपर्स हो ना। यहाँ तो कुछ और ही मामला लग रहा है सर। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, सीआईडी से। सीआईडी? तुमने गोली क्यों चलाई? मुझे लगा था कि वो लोग आ गए। कौन है वो लोग? जिन्होंने मेरी वाइफ ललिता का किडनैप किया। अच्छा, किडनैप कर लिया? जी, चार दिन पहले अचानक मेरी बीवी गायब हो गई। फिर मुझे धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए। कोई आदमी भारी सी आवाज में फोन करके कहता कि ललिता उसके कब्जे में, और अगर मैं उसे 25 लाख रुपए दूंगा तो ही वो मेरी बीवी को छोड़ेगा। इसे पहचानते हो? ललिता को मार डाला, ललिता को मार डाला। अभी आप कह रहे थे कि आपकी वाइफ ललिता किडनैप हो गई थी, मगर आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है कि वो घर वापस आ गई है। क्यों जी? आपने झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई कि वो घर वापस आ गई है? नहीं, वो मुझे किडनैपर का फोन आया था कि अगर मैं अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा तो वो मेरी ललिता को। किडनैपर अभी भी फोन करता है पैसों के लिए? जी। मगर तुम्हारी बीवी तो 4 दिन पहले मर गई है ना? ये किडनैपर जब फोन करता है तो तुम्हारे घर पे फोन करता है या तुम्हारे मोबाइल फोन पर? मोबाइल पर फोन करता है। फिर तो आप बता सकते हैं कि कौन से नंबर से आपको फोन आता है? जी नहीं, जब उसका फोन आता है तो मेरे फोन की स्क्रीन पे उसका नंबर नहीं आता, बल्कि लिखा हुआ आता है कि प्राइवेट नंबर। मालूम है आपको ना, राहुल की बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैप? वाइफ को? उसको कौन किडनैप कर सकता सर? क्या? देखिए, मतलब मिस्टर राहुल और उनकी बीवी में अक्सर झगड़े होते थे, और बहुत झगड़े होते। हमें इसलिए पता है क्योंकि उनके झगड़ों की आवाज़ बाहर तक आती थी। अब देखिए, 3-4 दिन पहले की बात है, मैं अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा हूँ। चलने की आवाज सुनी थी? गोली चलने की आवाज? हाँ, एक आवाज हुई थी। हो सकता है कि वो गोली की हो। तो गोली चली थी। मैच करके देख लेते हैं जो लड़की को लगी थी। यस। छुट्टी? हाँ फ्रेडरिक। काश ये मुर्दे बोल सकते हैं कि हमें किसने मारा, तो काम कितना आसान हो जाता। तुम होश में तो हो? बिल्कुल। डॉक्टर एक टीवी प्रोग्राम है जिसमें एक आदमी मरे हुए लोगों से बात कर सकता है, उन्हें देख सकता है। अच्छा, साउंड्स इंटरेस्टिंग। कौन सा प्रोग्राम है? इस प्रोग्राम का नाम है अकेला। 4 जुलाई से आ रहा है, हर मंगलवार रात को 10 बजे सोनी चैनल पे। ये गन का क्या चक्कर है, है? वो गन तुम्हारे पास कहां से आई? .22 बेरेटा? वो बहुत पुरानी गन है सर, मेरे पिताजी की थी। तुम्हारे नाम पे? जी। तुम्हारी बीवी को किसी ने गोली मारी है, समझे?
इन्होंने जो कुछ बताया वो किसी और ने भी देखा है क्या? सर, हमने राहुल को घर से बाहर जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन कुछ दिनों से इस घर के आसपास एक आदमी को देखा, उसके हाथ में कैमरा भी था सर। अच्छा, क्या करता क्या था वो आदमी? सर, आसपास घूमता रहता था और घर की तरफ देखता रहता था। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो और उसका स्केच बनवा दो। सर, लेकिन उसका चेहरा मुझे याद नहीं है सर। पहले तो कह रहे थे आदमी को देखा है, अब कह रहे हो नहीं देखा है, क्या चल रहा है ये? हैं? सच बोल रहे हो ना, या तुम भी मिले हो किडनैपिंग में? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैं इसी पे सर को बता देती हूँ कि फेडरिक यहाँ पर रो रहा है। सब इंस्पेक्टर मुस्कान, सीआईडी। Could I speak with ACP sir, please? Yes, ma'am. Sir, Dr. Pradhan. Yes, Dr. Niyati. Sir, वो गोली राहुल की गन से नहीं चली है। ठीक है। और डॉक्टर नियति, फ्रेडरिक्स है वहाँ पे? Yes, sir. उसे भी एक इंजेक्शन लगा दो। देखो उसके पैंट के पॉकेट्स में क्या है। फ्रेडरिक, मैंने सुना कि तुम डाइट पर हो। हाँ सर। मैडम, वो थोड़ा जॉग वॉक कर रहा हूँ वेट कम करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं उस डाइट की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे पता चला है कि तुम लिक्विड डाइट पर हो। अरे, कब शुरू किया पता ही नहीं चला। घर जाता तो बीवी डांटती, ऑफिस में आओ तो वहाँ पे वो खड़े हैं यमराज। फॉरेंसिक में आओ तो आपका लेक्चर। आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? बार में है ना, बोलो। वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? 8 साल से सीआईडी में हूँ, कोई प्रमोशन नहीं। अरे प्रमोशन नहीं तो डिमोशन तो करो। दिन रात वही, यस सर, नो सर, जी सर, अच्छा सर, आया सर, गया सर, गड्ढे में कूद जाओ फेडरिक्स, कूद गया सर, पानी में जम मारो फेडरिक्स, ये लो सर। फेडरिक, जब मैं असिस्टेंट थी ना, तो मेरा तो तुम्हारे से भी ज्यादा बुरा हाल था। अरे क्या बात कर रही है आप? सच्ची, मेरे सीनियर्स तो मुझे गाली भी देते थे और तो और मुझसे नौकरों वाला काम करवाते थे। ऐसा क्या? सच्ची। अरे रे, मुझे एसीपी साहब को यमराज नहीं कहना चाहिए। तो मालूम नहीं है, है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम। मालूम कैसे नहीं है? तुम्हारे घर में गोली चली और तुमने आवाज नहीं सुनी है? लेकिन सर, गोली तो चली नहीं सर। तुम्हारे पड़ोसी ने आवाज सुनी है गोली चलने की, समझे? किसके पड़ोसी ने आवाज सुनी है? घर में गोली चली है। क्या हो? हाँ? धनाधन गोलियां चलाते हो, कुछ हम पर चलाई और एक से अपनी बीवी को भी मारा। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा उसे। उस बड़े बैग में क्या था? बैग? कौन सा बैग? ये लो। कौन सा बैग? जिस दिन तुम्हारी वाइफ की मौत हुई, उस दिन तुम्हारा और उसका झगड़ा हुआ था, फिर गोली चली और उसके बाद सब कुछ शांत, और थोड़ी देर के बाद तुम एक बड़ा सा बैग लेके घर से बाहर निकले जिसमें शायद तुम्हारी बीवी की लाश थी, क्योंकि उसके बाद से उसे किसी ने जिंदा नहीं देखा। ये गलत है सर, ये गलत है। मैं किसी काम से बाहर गया होता सर, मेरी बीवी जिंदा थी। जब मैं घर से बाहर निकला तो वो जिंदा थी सर। तुम तो हमेशा ही अपनी वाइफ को मारा पीटा करते थे, क्यों? झूठ, झूठ है ये। क्यों मारूंगा उसे? मैं तो बहुत बहुत प्यार करता था उसे। तुम्हारे प्यार की निशानी मिल गई है हमें। ललिता के सिर पे 1.5 इंच लंबा घाव मिला है मिस्टर। किस चीज से मारा था उसके सिर पे? बातों, हमारे बीच में कभी कभी झगड़े हुआ करते थे, लेकिन लेकिन सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार ही मैंने उसे गुस्से में मारा था। लेकिन वो भी मुझे मारती थी, वो भी मुझे मारती थी। देखो, वाइफ को बचाने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन हस्बैंड को बचाने के लिए आप भी देखो। ठीक है शर्ट नीचे करिए, आप शर्ट नीचे करिए। ललिता को नहीं मारा, मैं तो बहुत प्यार करता था ललिता से। मुझे बाथरूम जाना है।
जाओ। चलो मेरे साथ जल्दी। सर फोन उठा लो प्लीज, फोन उठाने दीजिए सर, चार बार फोन बज के कट चुका है, कहीं वो फोन करना ही ना बंद कर दे। नहीं बंद करेगा वो। रेडी आप फोन। हेलो हेलो, बहुत देर कर दी फोन उठाने में। सॉरी क्लाना छोड़ और ये पता कि पैसे रेडी है कि नहीं। अभी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अंधेरी। अच्छा तुम्हें पैसे कहाँ चाहिए? वो तुझे मैं बाद में बताऊंगा, फिर फोन करूंगा, इंतजार करना। बोलते रहो बोलते रहो। सुनो मेरी बीवी तो ठीक है ना? हाँ मेरे पास ही है वो। क्या क्या कह रहे हो तुम, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। तुम वो कहाँ अभी? मैं घर पे हूँ। घर पे? हाँ। फिर इतनी जोर से आवाजें कैसे आ रही तुम्हारे आसपास? वो टीवी चल रहा है। अच्छा टीवी चल रहा है। हाँ टीवी की ऐसी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। मुझसे तू झूठ कह रहा है, सच सच बता तू कहाँ है? नहीं मैं सच कह रहा हूँ, टीवी चल रहा है। झूठ राहुल, मुझसे बदतमीजी और चालाकी करने की कोशिश की तो बहुत भारी पड़ेगा। सच सच बता दे तू कहाँ है। लगता है तुझे अपनी बीवी की जान प्यारी नहीं है। राहुल मुझसे ज्यादा चालाकी करोगे तो बहुत पछताओगे। पछताओगे तो अब तुम। रॉकी तुम? तुम जानते हो इसे? सर ये रॉकी है, मेरा पड़ोसी। पड़ोसी है? अच्छा धर्म निभाया पड़ोसी का। अरे सर मैं बहुत दिनों से फिल्मों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई चांस नहीं देता। एक प्रोड्यूसर मिला, कहता है कि मुझे 50 लाख दे तो मैं तेरे लिए फिल्म बनाऊंगा। एक दिन मैं अपने बालकनी में खड़ा था, मैंने देखा कि राहुल अंधेरी तक से झगड़ा चल रहा था। मुझे लगा कि ये चांस है, इन दोनों के झगड़े के बीच में शायद कुछ पैसा बन सकता है। मैं एक लेटर देने के बाद इनके घर गया। बग लगाया? तुम्हें शर्म नहीं अपने नेबर पर स्पाई करते हुए? हिम्मत कर, हिम्मत कर। चुप रहिए आप। इसे मत छोड़िए, इसे मत छोड़िए। दूसरे कमरे में जाइए। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसे मत छोड़ेगा सर। फिर आगे क्या हुआ? मुझे अब इनकी घर की एक एक आवाज सुनाई देने लगी, मुझे इनके सारे सीक्रेट पता चलने लगे। जब भी इन दोनों के बीच में झगड़ा होता तो मैं अपने बाइनोकुलर्स लेके देखता, मुझे सब कुछ दिखाई भी देने लगा और सुनाई भी देने लगा। उस दिन इन दोनों के बीच बहुत जोर से झगड़ा चल रहा था। मुझे लगा कि ललिता मर गई है। थोड़ी देर बाद राहुल एक बहुत बड़ा बैग लेकर
घर से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि कोई लाश लेकर कहीं जा रहा है। बंगला एकदम शांत था। अचानक ललिता की आवाज सुनाई पड़ी। मतलब तब तक ललिता जिंदा थी? तो फिर उसकी मौत कैसे हो गई? थोड़ी देर बाद वहां पे एक नीले रंग की गाड़ी आई। ललिता उस गाड़ी में बैठी और चली गई। गाड़ी का नंबर देखा तुमने? नहीं सर, रात को इतनी बारिश हो रही थी कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ललिता का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? एकदम, तभी तो वो गई उसके साथ गाड़ी में। अभिजीत देख, अगर ललिता हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग रही थी तो उसके पास जरूर कुछ ना कुछ पैसे होंगे। उसका बैंक अकाउंट चेक करो, देखो उसने कब कब पैसे निकाले थे। बड़ा धोखा दिया ललिता ने मुझे। एक तो मेरे साथ रहकर वो दूसरे आदमी के साथ अफेयर करती रही, ऊपर से इतना बड़ा कॉटेज ले लिया उसने चुपके से, मेरे ही पैसे चुराकर ये कॉटेज ले लिया उसने। इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। अगर हम बैंक में ना जाते तो कुछ पता नहीं चलता। हाँ? तो एक नंबर का गधा निकला। देखो छोड़ो ये गधा घोड़ा, समझे, जिंदगी है यहाँ सब कुछ होते रहता है। अभिजीत सर, ये ललिता का कॉटेज वहां से बहुत पास में जहां से उसकी लाश मिली थी। सर एक बात सुन, ललिता जब उस आदमी के साथ भागी तो वह यहां पे जरूर आई होगी। हाँ, ये ताला, इस ताले में ही कुछ गड़बड़ है, इसके अंदर ही कुछ राज छुपा हुआ है। क्या करें, तोड़ दें? निकी और पूछ, शुभ काम में देरी क्यों, तोड़ दो। इंफ्रारेड ग्लासेस लेके आ, यहाँ पे शायद खून गिरा हुआ है जो किसी ने धो के साफ किया है। हरिया प्लीज। देखो जरा अंदर क्या है। देखा, खून ही खून है। खुलिया सर। गुड माय गॉड, ये भी गोली खा के मरा है। डॉक्टर नियति, कुछ पता चला उस दूसरे खून के बारे में? दो बातें हैं सर, एक तो ये कि ललिता और पुरोहित का खूनी एक ही है, दोनों बुलेट्स मैच हो गई हैं सर, दोनों एक ही गन से चली हैं। और दूसरी बात? दूसरी बात सुनकर आप लोग थोड़ा सा हिलकर रह जाएंगे। मरने से पहले ये आदमी को छुपाने की कोशिश कर रहा था।
ये कैसे पता चला आपको? ये इसके गले का एक्सरे है, देखिए। ये है क्या? फिल्म का रोल। जरूर इसमें ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस आदमी ने नेगेटिव खाने की कोशिश की मगर कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। सर भागते चोर की लंगोटी सही है, कुछ ना होने से तो अच्छा है। ये भी साफ नहीं है। एक मिनट दया, एक मिनट। ये कौन है दया? जरा इसे बड़ा करो। ये तो ललिता है। इसके साथ में ये आदमी कौन है? सर राहुल तो नहीं लगता, कोई और ही है। दया, किसी और फोटोग्राफ में भी होगा ये आदमी, जरा चेक करो। एक मिनट दया, एक मिनट। वो पिछला फोटो फिर से दिखाओ। इस आदमी ने कुछ बैज पहना है दया, इस बैज पर ज़ूम करो। नीचे किसी कॉल सेंटर का नाम भी है, नाम साफ नहीं है। लगता है ये आदमी किसी कॉल सेंटर में काम करता है। दया, मुंबई के सारे कॉल सेंटर चेक करो, देखो ये लोगो किस कंपनी का है। आप इन्हें जानती हैं? आप लोगों को इनसे क्या काम है? कौन है ये? हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मिस्टर जयेश। कहाँ मिलेंगे? आज तो नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी हैं, इसलिए अंदर आने के लिए उन्होंने मना किया है। देखिए हम भी अंदर के ही लोग हैं, अंदर ले जाने वाले हैं उन्हें। क्या? अभिजीत हम ही ढूंढ लेते मिस्टर जयेश को। रुकिए सर, देखिए मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं जाएगी नौकरी। आज तक जिसने भी हमारा साथ दिया है उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। मिस्टर जयेश बाहर आइए। देखो जरा। कैबिन तो खाली है। अंदर से बंद है दरवाजा, कमाल हो गया। कैबिन के दोनों दरवाजे अंदर से बंद है तो फिर ये आदमी गायब कैसे हो गया? अप्रेडिक्स, जयेश को बाहर जाते हुए देखा तुमने? नहीं? ठीक है, फिर ये बाहर गया कैसे? तो हमारा दोस्त यहां पर है क्यों मिस्टर जयेश? सीआईडी और मौत के बीच लटकना अच्छा लग रहा है ना? प्लीज प्लीज निकालो मुझे यहां से। तुमने ही ललिता और फोटोग्राफर पुरोहित का खून किया ना? आप तो बचाओ मुझे। क्यों क्यों मारा तुमने ललिता को? ललिता और मेरा कॉलेज के टाइम से अफेयर था। कुछ महीने पहले उसने मुझे कहा कि मैं अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ शादी कर लूं। मैंने मना किया तो उसने धमकी दी कि वो हमारे अफेयर के बारे में मेरी बीवी को बता देगी, इसलिए मैं उसे कॉलेज लेके
और फोटोग्राफर पुरोहित, उसको क्यों मारा? ललिता की लाश दफना कर जब मैं खून साफ कर रहा था तो उसने मेरे फोटोग्राफ लिए। अरे उसके पास मेरे कई और फोटोग्राफ भी थे। थैंक गॉड, मैं तो मरने वाला था, आप लोगों ने मुझे बचाया। थैंक यू। मैं फांसी पे चढ़ाने के लिए बचाया है, दो दो खून करके और जाओगे कहां तुम? पर आप लोगों को पता कैसे चला? वही फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स? पर मैंने तो वो फोटोग्राफ्स हर जगह ढूंढे, उसने वो फोटोग्राफ्स कहां छिपाए थे? फोटोग्राफर के गले में। फोटोग्राफ्स ने मरवा दिया।